बिहार में जाति जनगणना हुई है कैसे? देखिए, जाति जनगणना जो हुई है वो जनगणना से दो चीज़ें देखने को मिली है। मैंने पूरा आंकड़ा देखा तो 36% अति पिछड़ी जातियों का आंकड़ा आया है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, दोनों लोगों ने 36% के साथ भेदभाव किया। 36% आबादी में से किसी जाति को इन लोगों ने सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाया। 8-8 बार नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, उनकी पत्नी हुई, ये सामाजिक न्याय नहीं होता है। दूसरी चीज कि मैं बिहार के 26 जिले में मैं घूमा हूँ, बड़ी संख्या में रजवार, राजवंशी, राजधोब और राजभर के बीच में मैं जाता हूँ। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग जिलों में, और आंकड़ा परसेंटेज में भी नहीं आया है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो है कि जो जातियाँ राजनीति में हैं उनकी तो गिनती ठीक ठाक से हो गई, जो जातियाँ राजनीति में नहीं हैं उनको एक जगह बैठ करके पूछ करके लोगों को लिख दिया गया है। तो इस पर तो सवाल हमारा है कि बिहार में जो जाति जनगणना है उसमें रजवार, राजवंशी, राजधोब, भर, राजभर के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सही गिनती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो वहाँ जनगणना हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है? बिल्कुल त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं होती तो हम आरोप नहीं लगाते। मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं जिन जातियों के बीच में जा रहा हूँ उन जातियों की गिनती नहीं है उसमें, तो क्या साबित करता है? जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं संजीव बालियान, उनका उन्होंने आज मांग किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। बुंदेलखंड बनने की अलग आवाज़ उठती रही, हरित प्रदेश बनने की अलग मांग उठती रही, पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही। लंबे समय से प्रदेश बड़ा प्रदेश हो गया, 4 भागों में बांटने की बराबर आवाज़ उठती रही है। उसी में संजय बालियान जी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। मंत्री जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को जिस तरह से एक अज्ञात बंदूकधारी, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक आतंकवादी को एक बंदूकधारी ने मार दिया, वहाँ के शहीद जो बहुत बड़ा आतंकवादी था उसके बेटे का अपहरण हो गया, कनाडा में कुछ खालिस्तानियों का एक बंदूकधारियों ने मर्डर किया, तो इस तरह से जो चल रहा है एक बंदूकधारी द्वारा भारत के दुश्मनों को जिस तरह टारगेट बनाया जा रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वो सेना का काम है, और जो सेना से सीमा पे सुरक्षा के लिए लोग लगे हैं, अब उसमें विस्तृत जानकारी हमको नहीं है। नेताजी, क्या महंगाई, बेरोजगारी 2024 के चुनाव में बीजेपी का रास्ता मुश्किल करेगी? बीजेपी के मुकाबले कोई है ही नहीं है। बीजेपी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सारे लोग लगे हैं कि बीजेपी की सरकार बने, जिसका उदाहरण महिला आरक्षण पे सभी लोगों ने समर्थन किया ना। अलग अलग बोलते थे, विरोध करते थे, लेकिन सभी लोगों ने वोट दिया ना। तो क्या बीजेपी मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करके 2024 का चुनाव जीत सकती है क्या? सपा, बसपा, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, किसान सम्मान निधि भेदभाव नहीं किया, और राशन बंटवारे में भी गरीबों को उसमें भी भेदभाव नहीं, जो योजना लागू हो रही है सबके लिए हो रही है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।